का रुख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। चीन पैंगोंग झील के पास सैन्य अड्डे कैसे बना रहा है, ये खड़गे की तरफ से कहा गया। मई 2020 तक ये जमीन भारत के कब्जे में थी। पीएम मोदी की चीनी गारंटी जारी है, ये खड़गे ने कहा है। सरकार अपनी लाल आंख पर 56 इंच के बड़े चीनी ब्लिंकर लगाती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर घेरा है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, वो बयान भी हमने आपको सुनाया जो ट्वीट किया गया था उनकी तरफ से। वहीं लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा है कि चीन हमेशा से भारतीय जमीन हड़पने की कोशिश करता रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब उन्होंने चीन की साजिश को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लद्दाख से एमपी मोहम्मद हनीफा जान। सर, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है किस तरह से चीन जो है पैंगोंग त्सो लेक के पास फिर से मिलिट्रीज के लिए वहां पे बिल्ड कर रहा है, अपनी क्षमताएं बिल्ड कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चाइना की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के बहुत बार इन्होंने एक्ट किया है। और लद्दाख के जो LAC हैं, ख़ासकर ये पेंगोंग लेक गलवान वैली एरिया है, वहाँ पे पहले भी कई बार इस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश भी की है और खड़ा भी किया भी है काफ़ी हद तक। तो ये ज़रूर इस ये एक बहुत चिंता की विषय है, इस पर गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है और ले भी रही है गवर्नमेंट। तो और दूसरी बात यह है कि बॉर्डर के एरियाज़ में खुसूसन LAC के जो एरियाज़ हैं हमारे चंथांग सेट से ले कर यहाँ नुब्रा सियाचिन से ले कर इस साइड से ये गलवान वैली हो, जहाँ भी हो, यहाँ पे हमारे साइड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। और पिछले कुछ सालों से काफ़ी हद तक जो है हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हो या बाकी जो जो एयरबेस की बात हो, एयरफोर्स की जो ये उतारते हैं वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो उन पे काफ़ी हद तक काम चल रही है और हो भी रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सहित दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस का चीन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया दौरे पर गए हैं, लेकिन उनके रशिया दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बोल रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री भारत में LAC की जानकारी दें, चाइना बॉर्डर की जानकारी दें। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आतंकवादी मारा जाता है तो पाकिस्तान से ज़्यादा दुख कांग्रेस को होता है, और रशिया को जो भी बात करनी होती है वो एज ए प्रवक्ता कांग्रेस को बोलते हैं और कांग्रेस एज ए प्रवक्ता उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये राजीव फाउंडेशन में 1,35,00,000 रुपया लेकर अपना संगठन चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं रशिया और पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते हैं, और इनको खुशी होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लगातार अपनी विदेश नीति के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री की पूरे विश्व में मान्यता है, और जो अच्छे संबंध होते हैं उसका उपयोग भी देश को गति देने के लिए मिलता है। आज पूरा विश्व के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, और हमारा गौरव है कि हमें देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि लगातार वसुदेव कुटुंबकम पर काम करते हैं, जो पूरे विश्व को अपना संसार मानते हैं, और 20 जीव के माध्यम से इस लोहे को मनवाने का भी उन्होंने काम किया है। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा एक अलग तरह की पीड़ा होती है, उसको सारा देश समझता भी है। सर, रूस और यूक्रेन युद्ध अभी तक चल रहा है, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास होंगे रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने के? देखिए, हिंदुस्तान का हमेशा जो भी रवैया और तरीका रखा है शांति और अमन चैन का रहा है, और आपने देखा होगा किस प्रकार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान भी अपने हम विद्यार्थी को 32,000 विद्यार्थी को निकालने में कामयाब हुए हैं। आज ये स्वाभाविक है, देश का गौरव भी है कि विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे जल की समस्या हो, अनेकों अनेक समस्याओं के विश्व में जो हो रही हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस रूप में देखा जाता है कि इनके द्वारा कोई ना कोई समाधान निकल सकता है,
अमन चंद शांति बन सकती है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का जो गौरव है ये हमारे देश के गौरव बढ़ाने का।